इन दिनों पेटलावद नगर परिषद में आवारा पशुओं ने आतंक मचा रखा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही एक नया मामला पेटलावद शहर के बीचों बीच सामने आया है, जहां एक गाय ने शादी समारोह में आई एक महिला पर हमला कर दिया और उन्हें गंभीर चोट पहुंचाई। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। इसे लेकर नगर के समाज सेवी दिलीप भंडारी ने नगर परिषद कार्यालय जाकर सीएमओ को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सीएमओ पेटलावद आशा भंडारी ने उचित कार्रवाई करने की बात कही। मैडम, आवारा पशु बहुत सारे हैं यहाँ पे, मतलब चाहे वो गाय हो, ढोर हो, दूसरे अन्य जैसे चार पैर के जो जानवर हैं, गधे वगैरह, काफ़ी मात्रा में एरिया में यहाँ पे काफ़ी और लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। नगर पालिका द्वारा समय समय पर यहाँ की टीम बनाकर और जो गाइडोर है उनको नगर परिषद की टीम यहाँ पर कांजी हाउस में बंद करती है। बंद करने के बाद 8-10 दिन के बाद उनको अपनी गौशाला में छुड़वाया जाता है। समय समय पर नगर परिषद द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और लगातार यह जारी रहेगी। दूध निकाल के गाय को छोड़ देता है और किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके क्या गाय मालिक के खिलाफ कुछ कार्रवाई करते हैं कि क्या? नगर पालिका द्वारा जो गायों को पकड़ा जाता है उसके बाद उनको कांजी हाउस में रखकर अगर संबंधित व्यक्ति लेने के लिए आता है तो उनको उनसे अर्थदंड वसूला जाता है, उसके बाद ही नगर परिषद द्वारा गायों को छोड़ा जाता है। नहीं, आप तो अर्थदंड तो आपने कांजी हाउस का ले लिया, यदि वो कोई डैमेज हुआ जिसको उसको मार गया, आप पांव टूट गया, हाथ टूट गया, उसके लिए आप मतलब क्या उसका फिर? जो गाय मालिक है उनके ऊपर नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आए दिन नगर में दुर्घटनाएं होती है, आवारा जो पशु, आवारा गाय, उसमें कुछ गाय ऐसी होती है जो जन आम जनता के लिए घातक होती है। गाय को घास हम भी खिलाते हैं, हम भी सुबह हरा घास डाल देते हैं, हम भी उसको धर्म मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे आवारा पशु जो आम नागरिक के लिए घातक है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।